बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हर्बलिस्ट डॉक्टर हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफ़ी आबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। अगर आपकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है तो ही आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिलीज में बैठे हैं तो बराए मेहरबानी फैमिली से ज़रा दूर हट जाएँ, या आप हैंड फ्री यूज़ कर लें। और फैमिलीज़ में बैठ कर ये वीडियो देखने वाली भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी मनी बहुत ज़्यादा पतली हो गई है और जिस वजह से आपको कसरत इतलाम होता है, यानी कि आपको 15 दिन में 4 से 5 बार इतलाम हो जाता है, और उसके साथ साथ अगर जो शादीशुदा अफराद हैं और इसी मनी के पतला हो जाने की वजह से उनकी हम बिस्तरी की टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, या उनको शुरत अंजाल का मसला हो गया है, और ऐसे गैर शादीशुदा अफराद जिनको ज़कावत हिस्सा मसला बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उनके लिए आज जो मैं हर्बल मेडिसिन लेके आया हूँ ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से बासानी मिल जाएगी। अगर आप अपने पेशीदा मराज के बारे में किसी किस्म का भी मुझसे फ्री मशवरा चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आजकल आपको पता है कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जरियान इतलाम का मसला, ज़ोकावत हिस का मसला और उसके साथ साथ शरीरत अंजाल का मसला, तो ये सिर्फ और प्रॉब्लम मनी के पतला हो जाने की वजह से होता है। अगर आपकी मादा मनी बहुत ज़्यादा पतली है, वो गाढ़ी नहीं होती, तो उस वजह से आपको ये जो चंद बीमारियाँ मैंने बताई हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और इसकी वजह से आपको आसासा मर्दाना कमज़ोरी भी शुरू हो जाएगी। और ऐसे शादीशुदा अफराद जिनको मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है या जिनकी हम बिस्तरी की टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पर क्लिक करें तो आपको जो मर्दाना कमज़ोरी का मसला है उसके बारे में भी बहुत ही शानदार कामयाब किस्म का नुस्खा आपको मिल जाएगा। तो चलें आपसे मैं हर्बल लेबोरेटरीज़ की आज मेडिसिन शेयर कर रहा हूँ। अशरफ हर्बल लेबोरेटरीज़ की आपने लेनी है मजूने राहत, ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से मजूने राहत मिल जाएगी अशरफ हर्बल लेबोरेटरीज़ की। इसका तरीका इस्तेमाल वगैरह ऊपर ही लिखा होगा। तो इसके साथ साथ आपको चाहिए, अगर आपको जरियान इतलाम का मसला है या आपको शरत अंजाल का मसला है या आपको ज़कावत हिस्सा है, तो आप ज़्यादातर फास्ट फूड से परहेज़ करें, और गर्म अशिया से भी आपको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जो गर्म अशिया होती हैं और जो हीटअप वाली चीज़ें होती हैं अगर वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके मसाना में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये जरियान इतलाम का मसला बनेगा, शुरत अंजाल का मसला बन जाएगा, और ज़कावत हिस्सा भी मसला इसी वजह से बनता है। ये जो 4 मैंने आपको बीमारियाँ बताई हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जो आपको मजून बताई है, मजूने राहत, ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से बासानी मिल जाएगी, और आपने अशरफ हर्बल लेबोरेटरीज़ की ये मजून लेनी है। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों को शफाता फरमाए, सलामत रहें, आबाद रहें, फी अमान अल्लाह।